नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल के हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत की, जहां सीएम मनोहर लाल ने 441 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर को शपथ दिलाने के साथ ही पुलिस वालों को तोहफा भी दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कदम से कदम ताल करते हरियाणा पुलिस के ये नए रणबांकुरे अपने प्रदेश की सेवा को तैयार हैं, जिनकी परेड की आज सीएम मनोहर लाल ने सलामी ली और 441 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के दीक्षांत समारोह में पास आउट होने वाले सभी पुलिस कर्मियों को और उनके परिवारों को बधाई दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज 441 सब इंस्पेक्टर में से 61 बेटियां हैं, जो हमारे लक्ष्य 15% के करीब हैं। पहले हरियाणा पुलिस में 3% महिला पुलिसकर्मी हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 10% हो गई हैं। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की सेवा में तत्पर पुलिस वालों के लिए डाइट और वर्दी भत्ते को बढ़ाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि कुछ दिन पहले 1 सितंबर से 25 सितंबर तक ड्रग फ्री साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इसमें 1,00,000 से अधिक साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने हर पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की। साथ ही पुलिस के राशन डाइट भत्ते में 2.5 गुना बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब डीएसपी स्तर के अधिकारी को साल में 10,000 वर्दी भत्ता मिलेगा। कांस्टेबल स्तर के कर्मचारियों का कन्वेंस भत्ता 120 रुपए से बढ़ाकर 720 रुपए किया गया है। एएसआई एसआई इंस्पेक्टर का कन्वेंस भत्ता 1,000 किया गया है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के कर्मियों को बेसिक पे 20% का विशेष भत्ता देने का ऐलान किया गया है। इससे पूर्व भी 9 जनवरी को 2020 को जिसमें 5,192 जवान और 25 जुलाई को जिसमें 400 सब इंस्पेक्टर अपना प्रशिक्षण पूरा कर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने थे, उसमें भी मुझे शामिल होने का मौका मिला था। आज जैसा बताया गया कि 441 सब इंस्पेक्टर कुशल और सक्षम एक प्रकार से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके इस पुलिस परिवार में शामिल हुए हैं। इन 441 सब इंस्पेक्टर में खुशी की बात है कि 61 बेटियां भी शामिल हैं, और जो प्रतिशत 2014 में पुलिस में महिलाओं का बेटियों का मात्र 3% था, जो अभी 10% हो गया है। और अगर वर्तमान बैच की हम बात करें तो ये लगभग जो हमारा लक्ष्य तय किया हुआ 15%, उसके बहुत नजदीक पहुंचे हैं। और समाज की कुछ बुराइयां कुरीतियां उनको भी हमको दूर करना है। जैसे आपको ध्यान में होगा, अभी हमने हरियाणा में 1 से लेकर 25 सितंबर तक एक साइक्लोथॉन जिसमें 1,00,000 से ऊपर साइकिलों के साइकिलिस्ट ने भाग लिया था कि किस प्रकार से हरियाणा को हम ड्रग फ्री हरियाणा, कैसे हम नशा मुक्त हरियाणा ये बनाएं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा काम है। इसमें पुलिस ने हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है। हम सब लोगों को भी इसमें लगना होगा, सामाजिक बुराई को दूर करना होगा। मैं एक घोषणा ये करता हूं कि शिक्षा के लिए हम तो यहां तक बढ़े हैं, हमारे परिवार के बच्चे आगे बढ़े, तो जितने भी हमारे पुलिस लाइन्स हैं डीजीपी साहब, वहां हर एक पुलिस लाइन्स में एक ई लाइब्रेरी जरूर खुलवाइए, ताकि जो बच्चे हैं हमारे इन जवानों के, हमारे पुलिस के लोगों के, इनके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे। सबसे पहले तो हमारी जो राशन मनी है, इस राशन मनी को डाइट मनी कहा जाएगा। उस डाइट मनी के हिसाब से फिर हमारा वर्दी भत्ता है, किट मेंटेनेंस है उसका जो अलाउंस है, और कमांडो की भी जो डाइट है, इस डाइट को प्राय सब जगह हमने 2.5 गुना उसकी बढ़ोतरी की है। ये जो वर्दी भत्ता है, अभी तक डीएसपी को
भर्ती होते समय सिर्फ एक बार 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को मिलता है, अब डीएसपी को भी वर्ष में 10,000 रुपया वर्दी भत्ता यह भी मंजूर किया गया है। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस, ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को जो 120 रुपया मासिक मिलता था वो अब 720 रुपया मासिक, अर्थात 6 गुना उसको हमने किया है। एएसआई एसआई और इंस्पेक्टर, इनका जो है 1,000 रुपया मासिक ये भत्ता किया गया है। इसी प्रकार जो हमारे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें जो कार्यरत स्टाफ है, यहां मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस नाते से इनको एक विशेष भत्ता बेसिक पे पर 20%, ये इनको अतिरिक्त राशि जो है इस प्रशिक्षण स्टाफ को यहां मिला करेगी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुलिस में रोजगार नहीं बल्कि सेवा के उद्देश्य से काम करना होगा। वर्दी के सम्मान के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। इसके साथ ही सीएम ने पुलिस विभाग को सुझाव दिया कि वर्दी के स्तर बढ़ने के साथ साथ पुलिस थाने के भी स्टार बढ़े। उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 7 स्टार तक पुलिस थानों को रेट किया जाएगा। आज ये दीक्षांत समारोह सब इंस्पेक्टर बैच संख्या 20 इस मौके पर आपके बीच में आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है। सर्वप्रथम मैं परेड में शामिल जवानों के आदरणीय माता पिता को बधाई देता हूं। आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग के बिना शायद आपके बच्चों को पुलिस में शामिल होकर ऐसी चुनौती भरे काम में इस प्रकार की सफलता नहीं मिल पाती। इन्होंने ये रास्ता चुना है जीवन उपार्जन, जीवन अर्जन के लिए नहीं बल्कि देश और समाज की सेवा के रूप में माना जाता है, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। मैं इस दीक्षांत परेड में शामिल सभी जवानों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हमने यहां नौकरी की है, नौकरी रोजगार के लिए होती है और रोजगार एक औपचारिक जीवन का एक काम होता है, उस काम के अनुसार एक निश्चित औपचारिकता में हम काम करते हैं, लेकिन ये नौकरी एक काम ना मान करके हम लोग जिस प्रकार का दायित्व तो हमको मिल रहा है उसको, इसको काम न माने बल्कि एक सेवा माने। और सेवा हमेशा किसी मजबूरी में नहीं की जाती, कोई औपचारिकता नहीं होती बल्कि ये स्वेच्छा से की जाती है। तो हमने स्वेच्छा से जो पुलिस का ये काम अपने जिम्मे लिया है, ये सेवा करना वास्तव में एक आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम होता है। काम के नाते तो हमारी घड़ी वो हमको चलाती है, सुबह एक निश्चित समय पर हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं और शाम को 5 बजे 8 घंटे की नौकरी पूरी करने के बाद हम वापस जाते हैं। लेकिन हमने जो दायित्व लिया है, पुलिस का दायित्व, इसकी कोई घड़ी नहीं है। मैं भी आपकी तरह मित्रों भाइयों बहनों घड़ी कभी नहीं रखता बल्कि सेवा भाव से जो पूरा काल चक्र 24 घंटे का है लगातार सेवा के लिए अलर्ट आप और हम दोनों मिलकर के रहते हैं। एक मैं पुलिस विभाग को सुझाव भी देना चाहता हूं, हमारे डीजीपी सुन रहे हैं। अभी तक हम अपने अधिकारी सिपाही हेड कांस्टेबल की तरक्की करते हुए और उनको स्टार की ओर ले जाते हैं। ये इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर एएसआई 1 स्टार है, 2 स्टार है, या 3 स्टार है, या डीएसपी है, या एसपी है, या डीजीपी है, एडीजीपी है, उनके स्टार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति की पहचान के लिए तो ठीक हो सकता है, जिस परिसर में हम काम करते हैं वो है हमारा थाना, उस थाने का उसका भी हमको ध्यान करके उसका अपग्रेडेशन करना चाहिए। उस थाने में वातावरण क्या है, वहां काम करने वाले सभी उसमें अधिकारी कर्मचारी भी आएंगे, वहां का स्वच्छता भी आए, वहां सुंदरता भी आए, वहां का भवन भी आए, तो क्या हम थानों को स्टार दे सकते हैं? क्या हम थानों को स्टार दे सकते हैं? ये स्टार नंबर 1 का, ये 2 डबल स्टार, ये 3 स्टार, ये 4 स्टार, 7 स्टार तक वर्गीकरण करना चाहिए ताकि थाने के बाहर ही लगा हो कि ये थाना 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है,
ताकि व्यक्ति का विश्वास उस थाने के अंदर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और हम में काम करने की प्रेरणा भी कि हम अपने थाने को कितने सार लेके जाना चाहते हैं। बहरहाल सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा पुलिस के नए जवानों को प्रदेश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, जिससे प्रदेश की पुलिस फोर्स जहां मजबूत होगी तो वहीं सुरक्षा और पुख्ता हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं SYL मामले पर हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय से बातचीत की स्टेट हेड संदीप शर्मा ने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SYL मुद्दे के ऊपर पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए एक विशेष टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब सरकार को सर्वे रिपोर्ट में उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। आज इसी चर्चा के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया सचिव हरियाणा सरकार से प्रवीण अत्रे जी, हम बात करते हैं उनसे इसी मुद्दे पर। धन्यवाद, धन्यवाद संदीप जी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जो टिप्पणी करी है SYL मुद्दे के ऊपर लेकर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तौर पे दो बातें कही है। एक, पंजाब सरकार को ये कहा है कि हमें सख्त कदम उठाना पड़े, इस तरह से नकारात्मक रुख जो है पंजाब सरकार का नहीं होना चाहिए। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो नहर का सर्वे करे और पंजाब सरकार को ये निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार का सहयोग करे। देखिए, जो लड़ाई पिछले 50 साल से हरियाणा लड़ रहा था, 1966 में जब हरियाणा अलग बना, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, उसमें जो संसाधनों का बंटवारा हुआ, पानी का बंटवारा हुआ, हरियाणा को 3.5 MAF पानी हिस्से में हरियाणा के आया था, सतलुज और ब्यास का, और वो 3.5 MAF पानी हरियाणा पिछले 50 साल से उसका इंतजार कर रहा था। हरियाणा के अंदर लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है साउथ हरियाणा के अंदर जो पानी की कमी की वजह से बंजर पड़ी है, जहां पे पानी की कमी की वजह से खेती नहीं हो सकती। स्वाभाविक है, अगर ये हमारा पानी हमें उस वक्त मिला होता तो आप कल्पना कीजिए कि हाँ, इंडिया के फूल बाउल में, देश के फूल बाउल के अंदर हरियाणा का कंट्रीब्यूशन कितना और बढ़ जाता जब उस 3.5 लाख हेक्टेयर धरती के अंदर खेती होती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, वो इस हक की लड़ाई को और तेज करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक की तस्दीक की थी अपने एक फैसला देके कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। तत्कालीन पंजाब सरकार ने उस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद विधानसभा के अंदर सभी जल समझौते रद्द करने का एक प्रस्ताव ले आए, एक कानून एक्ट पास किया। वो एक्ट स्वाभाविक है राष्ट्रपति महोदय के पास गया, राष्ट्रपति महोदय ने उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के पास भेजा ये राय लेने के लिए कि पंजाब की उस वक्त की सरकार ने जो जल समझौते रद्द किए हैं क्या वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। अब वो विषय 2004 से 2014 तक ऐसे ही पड़ा रहा। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार के उदासीन रवैये की वजह से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उदासीन रवैये की वजह से इस पर कोई प्रगति नहीं हुई। ये मामला इस तरह से 10 साल पड़ा रहा। जब मनोहर लाल जी 2014 में मुख्यमंत्री बनते हैं, मनोहर लाल जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा 2015 में और ये निवेदन किया कि केंद्र सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करे कि इस विषय की जल्द से जल्द सुनवाई हो। जब हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनिशिएटिव लिया, तब 5 सदस्यीय एक संवैधानिक पीठ का गठन हुआ और उस संवैधानिक पीठ ने 10 नवंबर 2016 में अपना मत दिया, अपनी राय दी कि पंजाब सरकार को कोई अधिकार नहीं था एक तरफा जल समझौते रद्द करने का। मतलब जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में दिया, फिर 2004 में दिया, उसी निर्णय को 2016 में हरियाणा के हक की तस्दीक करते हुए फिर दिया जी। अब विषय आ जाता है कि पंजाब सरकार का जो रवैया था, जिस तरह का रुख पंजाब सरकार ने अख्तियार किया हुआ था, वो नकारात्मक था। हरियाणा सरकार फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई कि आपने जो निर्णय दिया है उसको एग्जीक्यूट करवाएं, मतलब एक एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली कि आप उस निर्णय को लागू करवाएं, आप किसी एजेंसी की ड्यूटी लगाएं कि वो उस नहर का निर्माण करे। 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, पंजाब सरकार बार बार एक बात करती थी कि हमारे पास पानी नहीं है, पहले वाली स्थिति नहीं है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले नहर का निर्माण करें,
पानी के विषय में बाद में बात होगी। लेकिन पंजाब सरकार लगातार नकारात्मक रुख अपनाती रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी कहा कि दोनों पक्षों को बिठा के मध्यस्थता करें और इसके ऊपर बातचीत करके एकमत हों, लेकिन हर पंजाब की सरकार उसके ऊपर भी लगातार नकारात्मक रुख अपनाती रही। तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, एक तो पंजाब सरकार को लताड़ लगाई है कि हमें सख्त रुख अपनाने पर मजबूर ना करें, दूसरा केंद्र सरकार को कहा है कि नहर का सर्वे करें, और पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार का सहयोग करें। तो इस निर्णय के आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2014 से जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो प्रयास कर रहे थे कि हरियाणा के किसान को उसका हाथ पानी मिले, मुझे लगता है कि उसकी तरफ एक कदम हम और बढ़ गए हैं और बहुत जल्द हरियाणा के किसान को उसके हक का पानी मिलेगा। इस फैसले को, जैसे अभी आने वाले वक्त में चुनाव जो है नज़दीक हैं, और इस फैसले को राजनीतिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं कई बार कुछ मित्रों से सुनता हूं, कुछ मीडिया के साथी भी ये कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो ये विषय जो है खड़ा हो जाता है, इसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। देखिए, हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। मैंने पहले भी आपको बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2015 में केंद्र को पत्र लिखा था, उस वक्त कोई सच्चा चुनाव नहीं था। 2014 में तो हम जीत के आई थे, सरकार बनी थी, कोई चुनाव नहीं था, क्योंकि हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है हमारे हक का, हमारे किसान के हक का, हमारी जो धरती बंजर पड़ी हुई है उस धरती के हक का। ये लड़ाई हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें बंटवारे में ये पानी मिला है। हमारी जो धरती, देखिए हरियाणा के अंदर लगभग 65% ऐसा हिस्सा ऐसा है जो डार्क जोन में जा चुका है। हरियाणा के अंदर पानी की बहुत कमी है, आप भी जानते हैं संदीप जी। तो ये लड़ाई उस पानी के लिए है, उस हक के लिए है। ये थे हमारे साथ मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे जी। इस फैसले के लिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसको हर एक को स्वीकार करना पड़ेगा। कैमरामैन ध्रुव के साथ संदीप शर्मा, इंडिया वॉइस। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।